क्यूबलो जैसे कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा डिस्काउंट कोड गुरु यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे और इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और आज की वीडियो में आपको बताने वाला कि OLL और PLL सीखने के बाद आप कौन से जो एल्गोरिदम के सेट हैं वो आप सीख सकते हैं। तो पहले मैं सभी एल्गोरिदम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से एल्गोरिदम पॉपुलर है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। सबसे पहले हमारा सेट है OLL CP का। तो OLL में क्या करते हैं हम कि ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, मतलब लास्ट लेयर को सिर्फ ओरिएंट करते हैं, जिससे हम सिर्फ हमारा येलो सॉल्व होता है। OLL CP में हम ओरिएंट तो करेंगे ही और साथ में कॉर्नर को भी सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे सिर्फ एजेस बचेंगे। तो जनरली हम OLL ऐसे सॉल्व करते हैं OLL का फॉर्मूला यूज़ करके, जिससे हमें एक PLL मिल जाती है जिसके चांसेस है 1 from 21। लेकिन अगर हम OLL CP यूज़ करें सेम OLL की जगह पे, तो हमें जो कॉर्नर से हमारे वो अपने आप सॉल्व मिलेंगे, जिसके वजह से हमें हमारी जो PLL है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब सिर्फ हमें एच जी और यू पम्प मिलेगी, जो कि बहुत ही फास्ट होती है, और इससे हमारा स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा और हमें कभी जी पम्प भी नहीं मिलेगी। तो OLL CP में हर एक OLL के टोटल 6 एल्गोरिदम है, तो हर एक OLL की टोटल आपको 6 केसेस याद रखने पड़ेंगे, और फिर आप जब भी OLL सॉल्व करोगे आपकी कॉर्नर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और आपको सिर्फ एच जी और यू पम्प मिलेगी और आपका स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा COLL। तो COLL OLL CP का एक सबसेट है, जिसमें कि जो एजेस हैं हमारे वो पहले से ही ओरेंट रहते हैं। तो इसमें अगर हम नॉर्मल अल्गो यूज़ करेंगे तो हमें एक PLL मिलेगी, लेकिन हम अगर COLL यूज़ करेंगे तो हमारे जो कॉर्नर्स है वो पहले से ही हमें ओरेंट को पहले से ही सॉल्व मिलेंगे और आपको इजी वाली PLL मिलेगी, जैसे कि ये वाली है। इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें एक एफ पम्प मिली, और अगर हम COLL यूज़ करेंगे तो हमें स्कीप भी मिल सकता है कभी कभी, जैसे कि एच जी और यू पम्प में सिर्फ हमें एजेस सॉल्व करने होते हैं, तो कभी कभी हमें स्कीप भी मिल जाता है COLL का यूज़ करके। तो नेक्स्ट है हमारा VLS। VLS मतलब वॉल लास्ट स्लॉट। तो जब हम लास्ट स्लॉट जो है लास्ट एप्टल पेयर सॉल्व कर रहे होते हैं, तब हम पूरे जो OLL है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब F12 की जो एल्गोरिदम है और OLL की जो एल्गोरिदम है उनको कंबाइन करके एक साथ सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे काफ़ी मूव्स बच जाएंगे। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करके फिर OLL यूज़ करेंगे तो थोड़े ज़्यादा मूव्स हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों को कंबाइन करेंगे यूजिंग VLS तो हम कुछ इस तरीके से इसको स्किप कर सकते हैं। और ये तो सबको पता है स्टेज हमारा ए बी VLS का ही पार्ट है, और इस तरह हम स्किप कर सकते हैं OLL को। नेक्स्ट है हमारा विंटर वेरिएशन। तो विंटर वेरिएशन वॉल क्लॉक स्लॉट का एक सबसेट है, जिसमें कि हमारे जो ये तीन एजेस है ऊपर वाले जो तीन ही एजेस है वो सॉल्व होते हैं। तो लास्ट अप्रैल पर इंसर्ट करते टाइम हमें से देखना है कि एजेस सब सॉल्व है कि नहीं। अगर सब सॉल्व है तो आपको एक OLL स्किप मिल सकता है, अगर आप थोड़ा से एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे तो, मतलब विंटर वेरिएशन के अलग आपको अगर याद हो तो। जैसे कि ये वाली बहुत ही ईजी केस है रिकॉग्निशन में, पूरा के पूरे OLL सॉल्व है, तो इसको हम डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं थोड़े से मूव ऐड करके F12 में, जैसे कि ये वाली है। तो इस तरह हमें एक OLL स्किप मिल सकता है, जो कि बहुत सारे क्यूबर्स यूज़ करते हैं जनरली, और मैंने भी इस पर ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट है हमारा समर वेरिएशन, जो कि बिल्कुल विंटर वेरिएशन के जैसा ही है, जहाँ पे हम ये F12 पेयर मिलती थी F12 की ये केस। तो यहाँ पे हमारे पास F12 की ये केस रहेगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो हमें एक OLL मिलेगी, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे तो हमें एक OLL स्किप मिलेगी। तो इसके भी टोटल 27 एल्गोरिदम है डिट्टो विंटर वेरिएशन की तरह ही, लेकिन ये जनरली कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि रिकॉग्निशन में बहुत ही मुश्किल होती है। और लास्ट में है सबसे इंटरेस्टिंग, सब इससे सीखना चाहते हैं, वो है GBLL। तो जब OLL सॉल्व करते टाइम आपकी जो एजेस है वो सभी ओरिएंट हो, तो आप पूरी जो OLL के साथ PLL भी सॉल्व एक साथ कर सकते हैं एक ही अलगो से। तो जैसे कि अगर इस OLL को हम ऐसे सॉल्व करें तो हमें एक PLL मिलेगी, अगर यहाँ पे हम COLL भी यूज़ करें फिर भी हमारे जो एजेस है वो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हम GBLL यूज़ करेंगे तो हमारी लास्ट लेयर पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो GBLL से लास्ट लेयर पूरी सॉल्व हो जाती है,
इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके अलगो बहुत सारे हैं। एक OLL के लगभग 72 अलगो है। तो बात करते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए। तो मोस्ट जो प्रेफर्ड सेट्स है वो है COLL और विंटर वेरिएशन। तो मैंने स्टार्ट किया था विंटर वेरिएशन से और मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, क्योंकि OLL स्कीप मिलता है इससे हमें और बहुत ही टाइम सेव हो जाता है। मुझे बहुत सारे प्रीव्यू मिले हैं विंटर वेरिएशन की वजह से। और COLL में भी कभी कभी हमें EPLL स्कीप मिलता है, कभी कभी हमारे एजेस अपने आप सॉल्व मिलते हैं तब हमें स्कीप मिलता है, अदरवाइज हमारा जो स्पीड है वो उतना ही रहता है। मतलब OLL का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और PLL का टाइम बहुत कम हो जाता है स्पीड। मतलब जो कि एच जी और यू पम्प का आपका जो स्पीड है उतना आपका PLL का स्पीड बन जाता है। इसीलिए मुझे विंटर वेरिएशन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हमेशा स्कीप मिलता है आपको, हमेशा OLL स्कीप मिलता है। बात करें COLL की तो इसके अलगो टोटल 40 है, और 40 में से आपको सभी नहीं सीखने हैं। आपको सुन के सारे छोड़ देने, क्योंकि सुन बहुत ही ईजी होती है। और फिर आपके पास बचेंगे 28 में से भी आपको लगभग 5 अलगोरिदम पहले से आते हैं, मतलब जो OLL के अलगोरिदम है, और उनके मिरर अगर कंसिडर करें तो आपको 10 पहले से ही आते हैं। तो बचे सिर्फ आपके पास 18 अलगोरिदम, और विंटर वेरिएशन के लगभग 18 और 19 ही अलगोरिदम है आपको पूरे नहीं करने। जो तीन कॉर्नर्स वाले जो अलगोरिदम है, जिसमें तीन कॉर्नर्स ओरिएंट नहीं होते, वो आपको नहीं करने हैं, जो कि रिकग्निशन में बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसके भी लगभग 18 और 19 ही अलगोरिदम है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सीखना है। तो विंटर वेरिएशन आपको आप जल्दी सीख सकते हो, और मोस्टली लोग इजी इजी वाले सीख लेते हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। COLL भी बहुत ही ईजी है, मैं एक दिन में पूरा COLL मैंने कवर किया था, और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बिना अलगोरिदम के आप COLL कैसे सीख सकते हैं, इसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब बात करते हैं GBLL की। तो GBLL के लिए आपको COLL आना ज़रूरी है। मतलब कुछ इजी वाले GBLL वो आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको COLL आता है तो आपका रिकग्निशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आप इजीली GBLL के केसेस रिकग्नाइज कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं COLL के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर GBLL के ऊपर। तो ये टोटल तीन जो है, COLL, विंटर वेरिएशन और GBLL, ये आप सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।